Hey guys, welcome back again. स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइज मेरा नाम है कार्तिक त्यागी और गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है, आज इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, ये गाइज मेरे लिए भी नई है और हो सकता है काफ़ी भाइयों के लिए जो इस चैनल पर भाई हैं उन सब के लिए भी नई हो। लेकिन आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे एक मूवी का जो है गाइज ओलीवुड मूवी ओडिया मूवी जो है गाइज जिसको ओलीवुड भी बोलते हैं उसको जो है उसका एक मूवी का जो है प्रोमो है, भाई मूवी है। और इसको जब भाई ने मुझे कहा, मतलब भाई मूवी जो है एक भाई ने मुझे सजेशन की थी कमेंट सेशन में, काफ़ी मुझे उन्होंने कमेंट की और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो देखा मैंने कि भाई मूवी का ना एज ए टीज़र वगैरह आया था तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हाइप मैंने देखी है। तो भाई मूवी का जो प्रोमो है गाइज ये देखते हैं और इसमें जो एक्टर्स हैं गाइज मूवी में ओडिया मूवी में एमलन, दिव्या, सुजीत एंड अनन्या और पृथ्वीराज पटनायक शायद हो सकता है मूवी के डायरेक्टर हों, पृथ्वीराज पटनायक आई थिंक पटनायक जो है मूवी के डायरेक्टर हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है भाई मूवी का प्रोमो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज, लेट्स प्ले। आई थिंक ये थोड़ी एक्शन से रिलेटेड मूवी हो सकती है। हाँ खतरनाक साउंड। अच्छा ये एक्टर है शायद इसमें एमलन, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ लेकिन एक गूज़बम्प टाइप का वो फीलिंग वैसी आ रही है, खतरनाक लग रही है। मतलब भाई दी ओपनिंग पार्ट। अच्छा ये क्या हुआ इसमें, कुछ सैड भी है, एक्शन तो काफी ज्यादा है भाई। डायरेक्शन नवीन भंडारी। ओके ओके तो अब रिलीज भी है 23 में हो ही जाएगी इसी दिस ईयर। क्रिकेट साउंड बड़ी खतरनाक है भाई, साउंड एक रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बैकग्राउंड म्यूजिक एक नंबर। ओके गाइस भाई मूवी का प्रोमो जो है एक ओलीवुड मूवी जो है ओडिया मूवी का मैंने फर्स्ट टाइम जो है भाई मूवी या फिर ओलीवुड मूवी जो है गाइस उस पर मैंने रिएक्शन किया और काफ़ी खतरनाक यार जो इसमें स्टार्टिंग थी ना, जिस तरह से मैं कह भी रहा था कि यार ये थोड़ी मतलब एक्शन से रिलेटेड मूवी लग रही है और इसमें एक्शन नहीं है यार, खतरनाक एक्शन है। जिस तरह से इसमें एक जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना, एक तो वो काफ़ी खतरनाक था और जिस तरह से उनकी एंट्री दिखाई है, एमलन नाम है आई थिंक, जो मैं सही पढ़ रहा हूँ तो एमलन नाम है एक्टर का। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा है और जिस तरह से एंट्री हुई है ना, मतलब जिस तरह से दिखाया गया उनको, एक गूज़बम्प एक रोंगटे खड़े कर देने वाला। एक तो म्यूजिक चला था बैकग्राउंड में और जिस तरह से वो फायर कर रहे थे दोनों हाथ में गन थी उनके, तो काफ़ी खतरनाक ये मूवी लग रही है। मूवी का नाम भाई है और शायद इसमें जो मैं थोड़ा पढ़ रहा था इसके बारे में तो ये इसमें एक भाई बहन की इसमें स्टोरी दिखाई है और शायद जो लास्ट बीच में जो एक सैड इसमें सीन भी आया था और सैड मतलब म्यूजिक उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी सैड थोड़ा वो चल रहा था कि उसमें जिस तरह से हाथ पकड़ा हुआ है तो उसमें लगता है मुझे सिस्टर है वो उनकी और मतलब भाई बहन है दोनों उनका, वो इस तरह से कुछ सीन इसमें शायद वो दिखाया हुआ है। शायद इसमें स्टोरी ये दिखाई थी कि भाई मतलब जिसमें एक्टर है ना उनकी बहन जो है वो खो जाती है, मतलब इसमें जो स्टोरी है तो वो उनको ढूंढने के लिए वो इस तरह का कुछ वो मतलब कि जो भी उसमें काम करते हैं या फिर जिस तरह से वो ढूंढते हैं अपनी बहन को, तो इस तरह की स्टोरी है। बाकी जो है मूवी जो मैं बताऊं तो यार मूवी काफ़ी मुझे सच बता रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक हो एक जो है ना आपको मतलब हॉरर मूवी नहीं है लेकिन आपको हॉरर तरफ का एक खतरनाक साउंड जो है ना आपको फील करा रही है मूवी, जो आपको मतलब देखने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक तो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ और मैंने सोचा नहीं था कि हॉलीवुड मूवी इस टाइप की होंगी, काफ़ी खतरनाक। एक साउथ इंडस्ट्री या तेलुगु तमिल मूवी होती है ना, एक मतलब जो एक्शन मूवी उस लेवल की मूवी जो है ना मुझे ये लग रही है। और फर्स्ट टाइम मेरा रिएक्शन कहूँगा मैं भाई खतरनाक खतरनाक मूवी जो मैंने जिस तरह का ये प्रोमो देखा है काफ़ी खतरनाक लगा है मुझे। तो मैं और भी ज़्यादा जो और भी इसके रिलेटेड और भी वीडियोस होंगी इसके लिए नहीं, मतलब ओलीवुड मूवी से रिलेटेड और भी अगर मूवीज़ के लेके आपकी सजेशन होंगी तो मैं उस पर भी रिएक्शन करना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट मेरा जो इंप्रेशन रहा इस तरह की मूवी को देख के, मतलब इस तरह के प्रोमो इस तरह के मूवी का जो है मैंने सीन देखा काफ़ी मुझे खतरनाक लगा। तो गाइस देखते हैं भाइयों का जो भी आप कमेंट सेशन में मुझे सजेस्ट कर देना, हो सकता है मैंने अपनी साइड से जो है अभी पृथ्वीराज पटनायक शायद इस मूवी के आई थिंक वो निर्देशक है शायद, तो इसमें बता देना गाइस, कंफर्म कर देना क्योंकि मूवी कब रिलीज़ हो रही है ये भी आप बता देना, क्योंकि दिस ईयर जो है इसी जो है ईयर को जो है इस मूवी को रिलीज़ होना है। तो
तो जैसा भी है गाइस कमेंट सेक्शन में बताना, और इसको लेके मूवी को लेके आपकी क्या राय है, और साथ ही साथ गाइस आपको रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, आप सजेस्ट करना चाहते हैं और भी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मूवी का जो एक गूज़बम्प भाई, सच में गूज़बम्प आया इस मूवी को मतलब इसको प्रोमो को देख के, खतरनाक था गाइस। तो करता हूँ गाइस वीडियो का, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहें, बाय बाय।